द्वारा फिर बंद करती है। ओके तो मेरा नाम है अमित खट्टर। हम करेंगे ऑटोकैड में 3D स्टार्ट, ठीक है। तो देखेंगे कि ऑटोकैड में कोई भी 3D ड्राइंग कैसे बनती है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ना, कैसे इजीली हम ऑटोकैड में 3D ड्राइंग बना सकते हैं। तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो जैसे जैसे मैं यहाँ करूंगा वैसे वैसे करेंगे, तो बहुत सारी चीजें ऑटोकैड के 3D में समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हमारे को 3D की कमांडें चाहिए होती हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्क स्पेस स्विचिंग में जाके 3D मॉडलिंग करेंगे। बाय डिफॉल्ट ड्राफ्टिंग होता है, तो ड्राफ्टिंग में हमारे पास 2D की कमांडें नजर आती हैं, और जो है हमारा जो ऑटोकैड 3D करना है अगर मेरे को, तो यहाँ से ऑटोकैड में 3D मॉडलिंग करते हैं। ठीक है, तो ऑटोकैड में जो भी हम ड्राइंग बनाते हैं वो हम बनाते हैं एक्स वाई प्लेन पे, यानी कि जो कुछ भी बन रहा है वो ऑटोकैड में एक्स वाई प्लेन के ऊपर बन रहा है, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो लाइन। ठीक है, अगर मैं देखना चाहता हूँ इसको 3D में, तो यहाँ पे ऑप्शन होती है फ्री ऑर्बिट। फ्री ऑर्बिट लेंगे, ये जो सर्कल नजर आ रहा है इसके अंदर ड्राइंग ला के फिर मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो माउस का मिडल बटन दबा के, पैन होता है लेफ्ट बटन दबा के रोटेट होता है। ठीक है, इसके बाहर रख के घुमाने की कोशिश करेंगे डिफिकल्ट होगा, इसके अंदर रख के घुमाने की कोशिश करेंगे आसानी से। सबसे बेस्ट जगह वो होती है जहां पे मेरे को एक्स भी नजर आए, वाई भी नजर आए और जेड भी नजर आए। ठीक है, तो ड्राइंग बनाने का तरीका वैसा ही है जैसे हम पहले बना रहे थे, कि बनेगा जो कुछ भी वो एक्स वाई प्लेन पे ही बनेगा, वैसे ही लाइन लगेगी, वैसे ही सर्कल लगेगा, वैसे ही ट्रिम होगा, सब कुछ सेम। बस अब वो क्या रहा है, अब ये हमारे को 3D में नजर आ रहा है। ठीक है, हम जो भी काम कर रहे हैं वो एक्स वाई प्लेन के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से टॉप व्यू कर देंगे तो टॉप व्यू आ जाएगा, यहाँ से टॉप की जगह आइसोमेट्रिक कर देंगे तो आइसोमेट्रिक व्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से फ्री ऑर्बिट से घुमा के देखना है, फ्री ऑर्बिट से घुमा के देखना है, यहाँ से टॉप व्यू करना है, टॉप व्यू। मैंने ये बताया कि जो कुछ भी बनता है वो ऑटोकैड में एक्स वाई प्लेन के ऊपर बनता है। मान लो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया 100 बाय 100, एट द रेट हंड्रेड कॉमा। ठीक, मैं इसको फ्री ऑर्बिट से घुमा सकता हूँ, तो मुझे एक्स भी नजर आ रहा है, वाई भी आ रहा है, जेड भी आ रहा है, तो मैं उसको एक्सट्रूड कर सकता हूँ। एक्सट्रूड कमांड लो, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, एंड। कितना एक्सट्रूड करना, मैंने कहा जी 50, एंड। तो ये 50 एक्सट्रूड हो गया, अब ये 3D में बन चुका है। अगर मेरे को इसका शेड चेंज करके देखना है तो यहाँ से 2D में जाएंगे, शेड चेंज, शेडेड विद एज करेंगे तो एजेस भी नजर आने लगते हैं। ठीक है, बड़ा आसान है, यहाँ से टॉप व्यू किया, जो भी ड्राइंग हम जैसे हम पहले बना रहे थे वैसे कोई भी ड्राइंग बनाई। ठीक है, चाहे ऑफसेट करके बना लो, चाहे जैसे मर्जी बना लो। ठीक है, उसको रीजन करो, ड्रॉ में जाएंगे, रीजन कमांड लेके ऑब्जेक्ट्स ले। रीजन करने से क्या होता है, वो एक क्लोज बाउंड्री बन जाता है। ठीक है, फ्री ऑर्बिट से हमने रोटेट कर लिया, और जो चीज हमने रीजन किया उसको मैं एक्सट्रूड कर सकता। ठीक, कुछ भी बनाना है मेरे को, बनाओ। ठीक, कुछ भी ट्रिम करना है, ट्रिम करो।
ड्रॉ में जाके रीजन करो, रीजन करके एक्सट्रूड कमांड लेके इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। कितना एक्सट्रूड करना है जी? 50 एक्सट्रूड। ठीक, तो ये जो है 50 एक्सट्रूड हो जाएगा। अगर हम प्लस में वैल्यू भरते हैं तो वो ऊपर को एक्सट्रूड होता है, अगर माइनस में वैल्यू भरते हैं तो वो नीचे एक्सट्रूड होता है। अगर मैंने -20 30 कर दिया तो वो नीचे चला जाएगा, यानी जिस प्लेन पे मैंने बनाया उससे प्लस में जाना है या माइनस में जाना है। ठीक है, बनेगा XY प्लेन के ऊपर। दोबारा देखते हैं हमने क्या किया। एक नई फाइल खोली, नई फाइल खोल के हमने उसको बोला मैं एक रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ। 0,0 से स्टार्ट किया और 100,100 पे छोड़ा, ये ओरिजिन पे बन गया। मस्त, इसको फ्री ऑर्बिट करके मैं रोटेट कर लिया। ठीक है, एक्सट्रूड करने से पहले रीजन करना जरूरी है, तो रीजन कर लिया। यहाँ लिखा हुआ आ गया 1 लूप एक्सट्रैक्ट एंड 1 रीजन क्रिएट। अगर मैं इसको शेडेड फॉर्म में देखता हूँ तो ये शेड होता है। अगर मैंने इसको एक्सट्रूड करना चाहता हूँ तो मैं इसको एक्सट्रूड करके वैल्यू भर सकता हूँ। ठीक है, शेडेड की जगह अगर मैं शेडेड विद एज कर दूँ तो ज्यादा अच्छा दिखता है, लाइनें भी नजर आए। अच्छा, अगर तब क्या होगा, अगर मान लो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, थोड़ा सा अंडू कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए, और इसके बीच में मैंने एक सर्कल बना दिया। यहाँ ऑब्जेक्ट स्नैप में अगर मैं ज्योमेट्री सेंटर ऑन कर दूं तो इसका सेंटर पॉइंट ब्लिंक हो जाएगा। मैं एक सर्कल बनाना चाहता हूँ इसके सेंटर से। ठीक है, ड्रॉ रीजन किया। ठीक है, 1 रीजन क्यों है, एक ऑलरेडी हो चुका था, दूसरा उसने कर दिया। अगर मैं इसको दोबारा से रीजन करने की कोशिश करूंगा तो लिखा होगा 0 रीजन क्रिएटेड, क्योंकि ऑलरेडी वो रीजन है। चेक करना है तो शेडेड में जाके चेक कर सकते। दोनों को अगर मैं इकट्ठे एक्सट्रूड कर दूं तो वो दोनों इकट्ठे एक्सट्रूड हो जाएंगे। ठीक है, सबट्रैक्ट करना चाहते हैं, सबट्रैक्ट कमांड लो। अच्छा, ये अभी क्या हुआ, ये दोनों ना एक दूसरे के बीच में, अगर मैं यहाँ से वायर फ्रेम करके दिखाऊं तो दोनों एक दूसरे के बीच में। ठीक है, पर उनका आपस में अभी कोई ताल्लुक नहीं है। पर अगर मैंने यहाँ से सबट्रैक्ट कमांड लेके इसमें से एंटर, इसको एंटर, तो किसको सबट्रैक्ट करना है, किस में से करना है। दोबारा देखते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं इसमें से एंटर, इसको एंटर, तो वो जो ऑब्जेक्ट है मेरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो चीज को मैं कटिंग करना चाहता हूँ मुझे वो भी बनानी पड़ेगी और उसको एक्सट्रूड भी करना पड़ेगा। फिर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से एंटर, इसको एंटर, तो वो खुद तो जाएगा ही जाएगा, साथ में जितना उसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा होगा उतने पोर्शन को भी वो सब्ट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, पर जो भी ड्राइंग बननी है वो XY प्लेन के ऊपर ही बननी है। ठीक है, इस बात का याद रखना है, हमेशा XY को देखते रहना कि XY किधर। ठीक है, जैसे हम पहले लाइन लगा रहे थे, ऑफसेट लगा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, वो सब कुछ चलेगा। एक और बात याद रखनी है, जब भी हम 3D में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन होती है डायनामिक QCS। ठीक है, ये कमांड है डायनामिक QCS की, कुछ दिन इसको बंद रखना है। ठीक है, इसको बंद रखेंगे तो बड़ी आसानी से काम करेगा ये। ठीक है, तो
तो हम बात क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि मुझे सब्ट्रैक्ट करना है पुराने तरीके से, मुझे इधर से ऑफसेट करना चाहता हूँ, इधर से ऑफसेट करना चाहता हूँ, तो मेरे को ऑफसेट करने के लिए लाइन लगानी पड़ेगी, यहाँ भी लाइन लगानी पड़ेगी और यहाँ पे भी लाइन लगानी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा वायर फ्रेम कर लेते हैं, देखने में आसान रहेगा, ऑफसेट जैसे हम पहले कर रहे थे, तो मुझे 5 ऑफसेट करना है, इस लाइन को इधर और इस लाइन को, ठीक है, जैसे पहले ट्रिम कर रहे थे वैसे ट्रिम कर सकते हैं। रीजन करना जरूरी है एक्सट्रूड करने के लिए, और अगर हमारे को इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले एक्सट्रूड भी करना पड़ेगा। कहाँ तक एक्सट्रूड करना, मैंने कहा कि इस पॉइंट पर शेड चेंज करके दिखाऊं तो वो उसके अंदर बन गया, तो मैंने क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ इसमें से, एंटर एंटर, तो वो जो है बीच में से होल हो जाए। ठीक है, तो हमारे को एक्सट्रूड समझ में आया, हमारे को रीजन समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि शेड कैसे करते हैं, हमें ये समझ में आया कि इसको रोटेट कैसे करते हैं फ्री ऑर्बिट से, हमारे को ये भी समझ में आया कि जो भी बनता है वो XY प्लेन के ऊपर बनता है ना, तो ऑफसेट भी ऑब्वियस है उसी प्लेन पे होगा, ट्रिम भी ऑब्वियस है उसी प्लेन पे होगा, सर्कल भी चाहे लाइन लगानी है वो भी उसी प्लेन पे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे को किस ऑब्जेक्ट में से किस ऑब्जेक्ट को सब्ट्रैक्ट करना है तो वो भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो एक छोटी सी ड्राइंग बनाएंगे और देखेंगे स्टेप बाय स्टेप के सारी चीजें वो कैसे काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ड्राइंग है, हम एक नई फाइल खोल लेते हैं और दोनों ड्राइंगों को स्टेप बाय स्टेप बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर किसी को एक लाइन में 3D सीखनी, वो है कि थिंक लाइक ए कारपेंटर, जैसे कारपेंटर सोचता है वैसे अगर हम सोचेंगे तो बहुत आसानी से हमारी 3D ड्राइंग बन जाएगी, और कारपेंटर भी हम बढ़िया वाले हैं टेक्निकल, है ना, तो बस छोटे कारपेंटर भी अच्छे तरीके से सोचेंगे। अब मुझे मान लो ये ड्राइंग बनानी ऊपर वाली, ठीक है, तो मुझे क्या नजर आ रहा है वो देखना है हमारे को, तो अगर मैं एक्स की डायरेक्शन से देखूं तो मुझे 62 बाय 34 का एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है जिसके अंदर 19 का रेडियस लगा हुआ है, तो मैं एक रेक्टेंगल बना दूंगा 0,0 से 62,30, ठीक है, ऐसे ही हमारे को एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है, उसमें एक 19 का सर्कल नजर आ रहा है, ठीक है। ट्रिम हमारे को करना आता है, रीजन हमारे को करना आता है, सारे को सिलेक्ट करो एंटर। रीजन के लिए क्लोज बाउंड्री होना जरूरी है, कुछ भी एक्स्ट्रा ट्रिम ट्रिम बचा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एंड प्योर क्लोज ज्योमेट्री होनी चाहिए। एक्सट्रूड जो भी होता है हमेशा जेड की डायरेक्शन में होता है, इसको हम शेड करके देख सकते हैं क्योंकि हमने इसको रीजन कर दिया, ठीक है। तो इसको मेरे को एक्सट्रूड करना चाहता हूं, मैं एक्सट्रूड कितना होगा 75, तो इसको एक्सट्रूड कर देंगे 75, ठीक है, तकरीबन हमारे को वैसा ही नजर आने लग गया जैसा हमारी ड्राइंग में की बात, ठीक है। तो अगर अब मैं कारपेंटर होता तो मैं क्या करता, यहाँ पे ऐसे निशान लगाता और उतने पोर्शन को कट कर देता, तो सेम चीज अब भी वही करेंगे कि यहाँ से एक कमांड होती है फेस यूजेस, ठीक है, फेस यूज से लेके जिस फेस पे मैं क्लिक कर दूंगा देखो, तो XY उस फेस पे आ जाता है जहां मैं क्लिक कर दूंगा, क्लिक करके एंटर दबाना है तो XY उस प्लेन पे आ, यानी कि उस प्लेन के ऊपर अब मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। कोई जरूरी नहीं होता हमेशा ऑफसेट ऑफसेट ही खेलना है,
खेलना खेल भी सकते हैं, पर हम क्या करेंगे, हम ऐसे एक लाइन लगाते हैं ऐसे। हमारे को ड्राइंग में दिया है, इधर से भी 6 है, इधर से भी 6 है, ये 74 है, ठीक है। तो 74 का मतलब हो गया, ये हो गए 12, 75 माइनस 12 कितने हो गए, 63। ठीक हम एक लाइन लगाएंगे यहां से, देखो एक्स वाई मेरा ध्यान से देखो ऊपर ही है, मैंने इस पॉइंट से ऑर्थो ऑन करके 6 लिया, फिर इधर गया मैं, फिर से 6 लिया, इधर गया 63 लिया, इधर गए 6 लिया, और यहां से इसको कर दिया क्लोज। ड्रॉ में गए रीजन, और रीजन को मार लेके इसको कर दिया बंद, और इसको कर दिया एक्सट्रूड। कहाँ तक, मैंने कहा जी ये पॉइंट तक, तो मैं वैल्यू भी भर सकता हूँ, मैं किसी पॉइंट पे क्लिक कर दूंगा तो वहां तक हो जाएगा। ग्रिड में बंद कर सकता हूँ ताकि आसानी से दिखे, और सब्ट्रैक्ट कमांड लेके किस में से एंटर किसके, ठीक ठीक है। सेम चीज मैं उधर भी कर सकता हूँ, वैसे तो उसको कॉपी भी कर सकते थे सब्ट्रैक्ट करने से पहले, ठीक, पर क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। रीजन कमांड हमारे को आती है, एक्सट्रूड कमांड हमारे को आती है, ठीक है। एक्सट्रूड करते हैं, अगर हम ज्यादा भी कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनपढ़ता लगती है बस थोड़ी सी, पर सब्ट्रैक्ट करने में आसानी रहती है। इसमें से एंटर इसको एड, ठीक है ना, तो वहां पे ढूंढना नहीं पड़ेगा। अभी अगर हम ध्यान से ड्राइंग देखें, तो ये नीचे से भी 6 खाली है, ये टोटल 34 है, ये 28 है, तो ये तो हम क्या करेंगे, फेस यूसीएस लेंगे, फेस पे क्लिक किया एंटर, और जैसे पहले बना रहे हैं इस पॉइंट से ऊपर गए 6, इधर गए 63, ठीक है, फिर से नीचे गए 6। बस आपको नजर आना चाहिए सही से, नजर अगर आपको आ रहा है तो आप बड़े प्यार से उसको बना भी सकते हो, उसको बना के रीजन भी कर सकते हो, रीजन 0 आ गया, अगर 0 आ जाए तो 2D वायर फ्रेम कर लो, और ध्यान से आंखें खोल के क्लिक करो कि वो सारी हो रही है सिलेक्ट, नहीं हो रही तो एक-एक करके कर लो, कोई आलस नहीं करना, चारों लाइनों को सिलेक्ट करो, वन रीजन क्रिएटेड, एक्सट्रूड में कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट इसमें से एंटर इसको, शेड चेंज करेंगे तो हमारा मॉडल जो है बन गया। ठीक है, समझ आई बात, अगली गलती नहीं सर, अगर जे किसी ने कोई गलती ना लगे तो उन्होंने छाड़ दे भाई, है ना, तो उदा तो उदा कुछ भी देखा था मास्टर ना, गलती करना कोई गुनाह नहीं है, गलती करके पता ना लगे वो ज्यादा बड़ा गुनाह है ना। आपको एक बंदा नहीं पसंद था, आपने मार दिया, है ना, और अब आपको मारने के बाद कोई दुख नहीं हो रहा, कोई पछतावा नहीं हो रहा, वो ज्यादा बड़ी गलती है मारने से, ठीक है। अगर आप उसको काट काट के खाए जा रहे हो,
तो और बड़ी गलती है ना। तो गलती करना गुनाह नहीं है, गलती करके पता नहीं लगे वो गुनाह है। ठीक है, तो नेक्स्ट ड्राइंग बनाते हैं छोटी सी। इसमें भी हमारे को सेम ही प्रोसेस करना है। हमने एक नई फाइल खोली, ठीक है। पहले हम बेसिक बनाने की कोशिश करेंगे कि हमारे को दिख क्या रहा है। इधर से 16 6 32 95, तो हम क्या करेंगे, ऑर्थो ऑन कर लेंगे। 95 95 से बैक ऊपर कितना है, 32 32, इधर कितना है, 56 56, ठीक है। इधर से कितना है, 40 12 40 12, ठीक है। इधर से गए 16, ऊपर गए 6, फिर गए 32, फिर नीचे आ गए 6, ठीक है। और यहां से एक लाइन लगाई। क्यों लगाई, क्योंकि 6 करना है, 12 करना है, 16 करना है, 4 करना है। तो ऑफसेट करेंगे 6, 6 को फिर 6 कर दूंगा, और फिर 6 कर दूंगा तो 12 हो जाएगा। और ऑफसेट नीचे से 16 कर दूंगा, और ऑफसेट कर दूंगा 4, ठीक है। और लाइनें लगा दूंगा, ठीक है। मैं ये समझ रहा हूं कि आप लोगों को ऑटोकैड की 2D बनानी आती है, ठीक है, क्योंकि हम 3D कर रहे हैं। अगर किसी को 2D नहीं आती तो पहले 2D सीखनी ताकि बनाने में आसानी हो, ठीक है। फालतू की लाइनें ट्रिम कर दो, यहाँ से फ्री ऑर्बिट में इसको घुमा लो, ड्रॉ में जाके रीजन कर लो, इसको कर दो एक्सट्रूड। कितना एक्सट्रूड करना है जी, 40 40, शेड चेंज कर लो, ठीक है। इतना काम हो गया हमारा। अगर तुम ध्यान से देखो ना, बिल्कुल है वैसा ही रोटेट किया हुआ है मैंने, जैसे यहाँ पे कड़ा है। देखो यहाँ पे भी थोड़ी सी लाइन है, हमारी भी थोड़ी सी लाइन है, यहाँ पे भी थोड़ा सा गैप नजर आ रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा सा गैप। अब हमारे को ये शेप बनानी है, ठीक है। तो इधर से दे रखा है 8, इधर से भी दे रखा है 8, ऊपर से दे रखा है 6, इधर से दे रखा है 12 12। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फेस यूजर लेना है, उसको बताने के लिए कि किस फेस पे मैं काम करना चाहता हूँ, ठीक है। फिर इधर से 12 दे रखा है, और इधर से भी 12 दे रखा है, ठीक है। अपने आप पे यकीन करना है कि मैंने लाइन लगाई है तो लगेगी, ठीक है। फिर ऑफसेट कर देना है 6, ठीक है। फिर यहां से दे कर देना है 8, और ये 12 के एंड पॉइंट से मिला देना। फिर यहां से भी कर देना है 8, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे को ऑफसेट ना ही करना पड़े, है ना। यहां तक लाइन लगा देते हैं, इस लाइन का कोई काम नहीं है, इस लाइन का कोई काम नहीं है, इसको ट्रिम कर सकते हैं, इसका भी कोई काम नहीं, इसको ट्रिम कर लेते हैं, ठीक है।
और यहाँ से इसको भी मिला देते, ड्रॉ में जाएंगे, रीजन करेंगे और इतने पोर्शन को सिलेक्ट करके वन रीजन क्रिएट कर। अब ध्यान से देखना, मैं जो एक्सट्रूड कर रहा हूँ इसको, इसको मैं यहां तक नहीं एक्सट्रूड करूंगा, इसको मैं यहां तक एक्सट्रूड करूंगा। शेड चेंज करके दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि वो आगे वाला पोर्शन भी नजर आए। वो पूरा काटना है हमारे को, ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने आगे ले गया, अगर वहीं तक लेके जाता तो वो पूरा ना कटता। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, एंटर इसको। अगर यहाँ पे देखो बार गायब हो जाए कभी, जैसे हमारी गायब हो गई, तो व्यू में जाएंगे, यहाँ से नेविगेशन बार को दोबारा से ऑन करते, ठीक। तो ये बढ़िया बन गया हमारा। फेस यूसेज हमारा सही पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट पे लाइन बता सकता हूँ मैं। ऑफसेट करेंगे 14 14, यानी टोटल है 28 और 40, 40 में से 28 गए, हो गया 22, 12, 12 का मतलब हो गया 6, ऑफसेट करेंगे 6, चलो कर ही लेते हैं ऑफसेट, ऑफसेट 6। ये वाली लाइन को इधर और ये वाली लाइन को, ठीक है, लाइन कमांड लेके इनको मिला दो, लाइन कमांड लेके इसको भी मिला दो, ड्रॉ और रीजन सेलेक्ट करो, बीच वाली लाइन डिलीट कर दे, ऐसे वायर फ्रेम कर लेना चाहिए, अगर परेशानी हो तो यहाँ से वायर फ्रेम कर लो, एक्स्ट्रा चीज को डिलीट कर दो, रीजन कर लो, ड्रॉ रीजन इसको इसको इसको, ठीक है। उसको नहीं डांट सकते, आलस हम नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप बनाना है, एक्सट्रूड करेंगे, मैंने क्या बताया था कि पीछे जाना है तो माइनस में, आगे जाना है तो प्लस में, तो हमारे को पीछे जाना है कितना, -4, वो अपने आप पीछे चला गया। सब्ट्रैक्ट इसमें से एंटर इस, ठीक है, शेड चेंज कर लो, ग्रिड बंद कर लो, ठीक है, इसको अगर मैं कंट्रोल सी करूं और यहीं पे आके कंट्रोल वी करूं, ओके, तो ये दोनों ड्राइंग हमारी यहाँ आ जाएंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। जैसे जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करना है, तो हमारे को 3D ड्राइंग बनानी आ जाएगी, ठीक है। कोई भी ड्राइंग है, 3D बनाना बड़ा आसान है, और भी कई टेक्निक्स देखेंगे इसमें आगे जाके। पहले पहला मकसद हमारा ये है कि जो भी हमारे पास ड्राइंग्स हैं उनको हम बना सकें, ठीक है। फिर उसको बहुत मॉडर्न होता है कि उसकी मॉडिफिकेशन कर सकें, फिर उसके बाद होता है कि उसकी ड्राइंगें निकाल सकें, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, दोनों ड्राइंगें बनाओ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। अब इतनी दूर तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि नेक्स्ट ट्यूटोरियल जब हम बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन अपने आप आ जाएगा, और वीडियो तो लाइक कर ही देना, है ना। कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में लिखो, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सॉल्व करेंगे।